नमस्कार दोस्तों, आज मुंबई की लोकल से यात्रा करते हुए मैं आ गया हूँ अंबरनाथ जो प्रसिद्ध है अपने शिव मंदिर के लिए। मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर अंबरनाथ का शिव मंदिर भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित है। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको इसे रिक्शा की लाइन दिखेगी, तो यहाँ पे हम लोगों को ये चौक दिखाई देगा। ये चौक से ही रिक्शा मिलेगी जो शेयरिंग रिक्शा है। इसका किराया है मात्र 20 रुपये और यहाँ से मंदिर की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। ऑटो वाले ने हम लोगों को यहाँ में मंदिर के मेन गेट पे छोड़ दिया है। तो ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। यहीं सामने ही है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। कुछ इस तरह है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है वालधुनी नदी जो कि पूरी तरह से एक नाले में तब्दील हो गई है, मगर बरसात के मौसम में पूरी तरह से लबालब भरी रहती है। यही है यहाँ का मेन मंदिर जो अपने अद्वितीय स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रवेश के लिए 3 मुख्य मंडप हैं और फिर उससे पहुँचते ही आगे सभा मंडप और नीचे उतरने के बाद गर्भगृह स्थित है। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। और मंदिर के मुख्य द्वार पे ही 2 नंदी बैल है, जो कि यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पे 2 नंदी बैल स्थापित किए गए हैं। ये है मंदिर का गर्भगृह, 9 सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये गर्भगृह है। यहाँ पे जिस तरह मतलब कि भगवान का शिवलिंग है। और मंदिर में ऊपर कोई भी गुंबद नहीं है, ये मंदिर ऊपर से खुला हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से मिले शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1060 ईस्वी में राजा मम्माणी ने करवाया था। इस मंदिर को पांडवकालीन भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में जैसा पूरा विश्व में कोई मंदिर नहीं है। अंबरनाथ शिव मंदिर के पास कई नैसर्गिक चमत्कार हैं, इससे इसकी मान्यता बढ़ती है। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है, जिसे यहाँ देश विदेश के कई लोग आते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूप बने हुए हैं। इसके साथ ही गणेश, कार्तिकेय, चंडिका और देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा हुआ है। साथ ही मंदिर के अंदर और बाहर कम से कम ब्रह्मदेव की 8 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। साथ ही इस जगह के आसपास कई जगह प्राचीन काल की ब्रह्मदेव की मूर्तियाँ हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले ब्रह्मदेव की उपासना होती थी। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह के पास गर्म पानी का कुंड भी है। इसे बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ वर्ष अंबरनाथ में बिताए थे, तब उन्होंने विशाल पत्थरों से एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। फिर कौरवों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के वजह से ये स्थान छोड़कर चले गए। इसके बाद इस मंदिर का आकार पूरा नहीं हो सका था। सालों से मंदिर मौसम की मार झेल रहा है, इसके बाद इसे राजा मम्माणी ने पूरा करने की कोशिश की। मंदिर का प्रांगण काफ़ी सुंदर और काफ़ी शांत है और मंदिर के बाहर ही
एक बढ़िया सा तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, उसी के बगल में भगवान गणेश की मूर्ति है और भगवान शिव का शिवलिंग भी बना हुआ है। अब हम आ गए हैं मंदिर के दूसरी तरफ। यहाँ पे भी भगवान के शिव की कई सारी मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्ति बनी है और ये एक पेड़ है इस पे की चुनरी बनी है। और कहते हैं कि ये चुनरी जो है वो अपनी मान्यता की चुनरी है, लोगों की मान्यता पूरी हो इसलिए यहाँ पे चुनरी बनाया जाता है। और यहीं सामने है माता सीता का मंदिर। मंदिर के बाहर रोड के दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का भी एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे कि हनुमान जी की ये मूर्ति लगी हुई है और भगवान शिव का शिवलिंग है और अंदर है भगवान श्री कृष्ण की ये छोटी सी मूर्ति। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बढ़िया किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।